तो ये देखिए बिल्कुल लाजवाब है ना हमारी आलू और कुंदरू की सब्जी बनके तैयार। तो इसी प्रकार से आप भी अपने घर में भी बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू कुंदरी की बिल्कुल लाजवाब सब्जी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने एक कढ़ाई में लगभग 250 ग्राम के आसपास तेल गर्म करने के लिए रखा है और उसमें हम कुंदरी को डालेंगे ताकि इसे हम अच्छे से फ्राई कर सकें। तो कुंदरी को फ्रेंड्स हम दो भागों में इस प्रकार से चीरा लगा के और इस प्रकार से तल लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए अब हम यहाँ पे थोड़ी सी चला लेंगे इसे और चलाने के बाद फ्रेंड्स हम इसी में थोड़ी सी नमक ऐड कर लेंगे क्योंकि फ्राई होने के बाद नमक जो है कुंदरी में अच्छे से नहीं सेपरेट होता है। तो हम यहाँ पे फ्राई करते समय हल्का नमक डाल के इसे फ्राई कर लेंगे और नमक डालने से देखिए इसका कलर भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्द ये पक जाएगा। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया फ्रेंड्स। तो अब हम इस स्टेज पे निकाल लेंगे। इस टाइप से कलर आपका आ जाए तो समझ लीजिए कि एक कुंदरी अच्छे से पक गया है क्योंकि कुंदरी बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। तो इस प्रकार से तल लेंगे तो अच्छे से ये पक जाएगा। तो निकाल लेंगे सारे कुंदरी को। तो इसी प्रकार से हमने सारे कुंदरी को इसी प्रकार से किया है फ्राई। और कुंदरी जो है फ्रेंड्स हमने लगभग हाफ के जी के आसपास में लिया है मात्र। तो फिर से उसी तेल में हम फ्रेंड्स क्या करेंगे कि हमने लगभग 250 ग्राम के आसपास आलू लिया है और उस आलू को हम इस प्रकार से लंबे लंबे भागों में काट लिया है और उसे भी इस प्रकार से हम तल लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर भी आया है। तो फिर हम उसी तेल में पंचफोरन डालेंगे लगभग 1.5 चम्मच के करीब, छोटी चम्मच। तो पंचफोरन डालने के बाद हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च को हमने दो भागों में इसे कट करके इस प्रकार से डाला है, लगभग 5 से 6 हरी मिर्च हमने डाला है। और इसी स्टेज पे हम प्याज भी डाल देंगे इसमें। प्याज हमने लगभग यहाँ पे 4 से 5 मीडियम साइज का लिया है और कुछ इस प्रकार के शेप में इसे काट के यहाँ पे हमने डाला है। तो प्याज को हम इसे कवर करके पका लेंगे। तो ये देखिए अब हम यहाँ पे नमक ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स ताकि प्याज हमारा अच्छे से गल जाए। तो आप नमक उसी हिसाब से ऐड करें ताकि हमने कुंदरी फ्राई करते समय वहाँ पे ऐड किया था। तो देखिए प्याज का कलर भी चेंज हो गया और प्याज अच्छे से गल भी गया है। तो हम इसी स्टेज पे 8 से 10 हमने लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा को हमने कूट के यहाँ पर डाला है और 2 बड़े टमाटर को फिर से हम यहाँ पर डालेंगे और इन सारे को हम लगभग 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो अब हम यहाँ पे मसाले ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स। मसाले में हमने हल्दी 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच और फिर ये मीट मसाला हमने 1 चम्मच लिया है। आप चाहे तो इसके जगह सब्जी मसाला भी दे सकते हैं। और ये काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर हमने इस्तेमाल किया क्योंकि ऑलरेडी मिर्ची हमने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डाल रखा है। तो आप तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी कलर के लिए हमने डाला है। आप मीट मसाला इस प्रकार से डाल के बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा इसका यूनिक टेस्ट बनेगा और खाने में ये बहुत ही लाजवाब लगेगी। आपने इससे पहले इस प्रकार से नहीं बनाया होंगे फ्रेंड्स शायद। तो इस प्रकार से आप बना के एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो मसाला डालने के बाद हम यहाँ पर थोड़ी सी पानी ऐड कर लेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से भून सके। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये मसाला भुन गया है। तेल बिल्कुल सेपरेट हो गया, अलग होने लगा है। तो कलर भी देखिए मसाले का कितना बढ़िया आया है। तो अब हम यहाँ पे मसाला भुन हमारा अच्छे से भुन गया है। तो इसी स्टेज पे हम यहाँ पे पानी ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए तो पानी हमने यहाँ पे आप अपने हिसाब से ग्रेवी रख सकते हैं। हमने यहाँ पे लगभग 1 कटोरी के आसपास पानी डाला है और पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला के इसमें एक बॉयल आने देंगे ताकि पानी भी हमारा अच्छे से मसाले में मिल जाए। तो ये देखिए बॉयल आ गया है पानी में।
तो ये ग्रेवी बन के बिल्कुल तैयार है। आपको देखने से लग रहा होगा ना बिल्कुल लाजवाब ग्रेवी है। तो अब हम इसी स्टेज पे हमने सारे कुंदरी को जो फ्राई किया था इस प्रकार से यहाँ पे हम डालेंगे। फ्रेंड्स, कुंदरी को कुंदरू भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग अपने एरिया में कुंदरी बोलते हैं इसे। तो आप कमेंट करके बताएं कि इस प्रकार की सब्जी को आपकी तरफ क्या बोला जाता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब हम यहाँ पे आलू फ्राई किया हुआ डाल देंगे। फिर पहले हम कुंदरी को डालेंगे, उसके बाद 1-2 मिनट पका के फिर हम आलू को डाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया है, तो थोड़ी सी परेशानी हो रही है। और इंडक्शन चूल्हे पे ही हमने इस प्रकार की कढ़ाई को डाला है, तो थोड़ी सावधानी से करना पड़ रहा है। तो आप चाहे तो नॉन स्टिक कढ़ाई भी बना सकते हैं, लेकिन हमने इसमें कम तेल में तला है तो इसी प्रकार से हमने बनाया। तो ये देखिए कितनी लाजवाब हमारी ये बन के तैयार हुई है आलू कुंदरी की सब्ज़ी। तो हम यहाँ पर गर्म मसाले थोड़ी सी ऐड कर लेंगे और थोड़ी सी हरी धनिया। तो ये फाइनली हमारा आलू कुंदरी की सब्ज़ी बन के बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स। तो आप भी इस तरीके के सब्ज़ी अपने घर पे आप ज़रूर बनाएं। तो हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर भी आया है, और आप खा के एक बार देखेंगे इस प्रकार की रेसिपी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी रेसिपी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।